जमशेदपुर के बागबेड़ा ट्रैफिक कॉलोनी स्थित शिव मंदिर प्रांगण में आजसू पार्टी के द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आजसू पार्टी के जिला संगठन सचिव लल्लन झा की अगुवाई में अभिषेक यादव, अमन सिंह, विकास चंद्रवंशी, सूरज रजक और विकास यादव के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने आजसू पार्टी का दामन थामा, जिन्हें माला पहनाकर तथा अंग वस्त्र देकर पार्टी में शामिल किया गया और उन्हें पार्टी के नीति सिद्धांतों से अवगत कराते हुए पार्टी संविधान की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कन्हैया सिंह ने बताया कि झारखंड के युवा जाग चुके हैं और राज्य के मुखिया के जुमलों से परेशान होकर आजसू के तरफ अपना रुझान बढ़ाया है और पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो और पूर्व मंत्री सह कोल्हान क्षेत्र के लोकप्रिय नेता रामचंद्र साहिस के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए पार्टी के विचारधारा के साथ जुड़ने का संकल्प लिया है। कार्यक्रम में बतौर अतिथि पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव सह पूर्व मंत्री रामचंद्र साहिस ने कहा कि राज्य को दिशा और गति देने के लिए युवाओं को आगे आना होगा और इस राज्य के समुचित विकास और युवाओं के रोजगार के साथ साथ क्षेत्र की मूलभूत सुविधा के साथ आपको संघर्ष करना होगा और आपके संघर्ष से जब क्षेत्र का विकास होगा, जब इस राज्य का विकास होगा तो लोग आपको सम्मान की नजरों से देखने लगेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार अपने वायदों को भूल चुकी है और हर दिन युवाओं को ठगने का कार्य करती है। आजसू युवाओं का राजनीतिक संगठन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कुछ सीखने, समझने और करने का अवसर मिलता है, इसलिए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपके आने से निश्चिंत ही पार्टी मजबूत होगी। अन्य वक्ताओं में जिला प्रवक्ता अप्पू तिवारी, अरूप मलिक, ललन झा, हेमंत पाठक, संजय करुआ, कामेश्वर प्रसाद, साहेब बागती, स्वरूप मलिक, ओम प्रकाश बैनर्जी समेत अन्य ने अपना करते हैं। ये सरकार वर्तमान जो राज्य का सरकार है, इस सरकार बनाने से पहले राज्य के नौजवानों से, युवाओं से, किसानों से, मजदूरों से, राज्य के तमाम जनताओं से, महिलाओं से ये वादा किया था कि हम एक बेहतर शासन देंगे, शासन व्यवस्था देंगे, जिस शासन व्यवस्था में सबको मौका मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा। नौजवानों को क्या कहा था पहला कमिटमेंट, नौजवानों के साथ क्या कमिटमेंट पहला था, नौजवानों के साथ क्या था कि हम नीति बनाएंगे इस राज्य के लिए, स्पष्ट नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे। जब तक हम नौकरी नहीं दे पाते हैं, जब तक हम नौकरी नहीं दे पाते हैं, तब तक आपको प्रतिमा 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। ये कमिटमेंट किया था, ये सरकार पहला कमिटमेंट फेल किया, ये सरकार युवाओं के साथ धोखा किया, नौजवानों को निराश। रेलवे ट्रैफिक कॉलोनी में आज पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष श्री कन्हैया सिंह जी और जिला के संगठन सचिव ललन झा जी के अगुवाई में आज यहाँ पार्टी का एक मिलन समारोह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्जनों नौजवान छात्र पार्टी का सदस्यता ग्रहण करेंगे। पार्टी की नीति सिद्धांत विचारधारा को मानते हुए एवं माननीय श्री सुदेश महतो जी के जो नेतृत्व और उनका कार्यशैली उससे प्रभावित होकर के आज दर्जनों छात्र नौजवान पार्टी की सदस्यता लिया है और संकल्प लिया है कि पार्टी की नीति सिद्धांत एवं अनुशासन को पालन करते हुए पार्टी के लिए, जनता के लिए, राज्य के लिए काम करेंगे। अभी आजसू पार्टी सभी प्रखंड कार्यालय पे धरना प्रदर्शन कर रही है, ये आंदोलन और तेज किया जाएगा? निश्चित रूप से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अपना हक मांगने का अधिकार है और राज्य सरकार ने जो चुनाव से पहले जो राज्य के जनता को कमिटमेंट करके जो जनमत हासिल किया है, आज कहीं ना कहीं जनता निराश है इस सरकार से, युवा निराश है। यहाँ युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे, प्रतिवर्ष 5,00,000 नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो उनको प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देंगे, कई ऐसे लोक लुभावन वादों के साथ जन समर्थन लिया था, लेकिन सरकार बनाने के बाद राज्य सरकार आज भूल गए हैं। इसलिए आजसू पार्टी लगातार राज्य सरकार के मुखिया, राज्य के तमाम विभागीय मंत्रियों को स्मरण कराने का काम कर रहे हैं और स्थानीय जो जनमुद्दा है, सड़क, बिजली, पेयजल,
चिकित्सा, सुरक्षा, रोजगार आदि जो मूलभूत विषय है वो यहाँ इम्प्लीमेंट हो, यहाँ जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन के माध्यम से लोगों को फायदा पहुँचे, इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।